कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए ही मिल जाएगा। इतने रुपये। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान तो सालों पुराना है, लेकिन उनके इस बयान को दिल से लगाए बैठे हैं खगड़िया के रहने वाले रंजीत कुमार दास। रंजीत की तस्वीर आपको दिखाते, लेकिन फिलहाल वो जेल की हवा खा रहे हैं, और जेल जाने की नौबत भी इसीलिए आई क्योंकि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की सफाई के बावजूद ये मानने को वो तैयार नहीं थे कि प्रधानमंत्री मोदी का ये जो बयान है वो महज चुनावी जुमला था। क्या है पूरा मामला, खगड़िया के इस खबर की हर तरफ चर्चा क्यों हो रही है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। असल में खगड़िया जिले के मानसी प्रखंड के बख्तियारपुर दक्षिणी ग्रामीण बैंक शाखा के एक अधिकारी ने गलती से किसी और खाताधारक के पैसे को किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। जिनके अकाउंट में ये पैसा गया उन्हीं का नाम है रंजीत कुमार दास। अब रंजीत के अकाउंट में जैसे ही 1,61,000 रुपए एक साथ आए, खुशी से पागल हो गए। खुशी खुशी में उन्होंने धीरे धीरे सारे पैसे जो है वो खर्च कर दिए और ये मान बैठे कि ये पैसा जो है उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्रांसफर कर दिया है उनके अकाउंट में। अब खुशी खुशी में उन्होंने तो पैसे सारे खर्च कर दिए, लेकिन उनकी ये खुशी जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चली। बैंक अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हो गया, उन्होंने रंजीत कुमार दास को नोटिस भेजा, उनसे पैसे वापस मांगने की कोशिश की, लेकिन रंजीत इस जिद पर अड़े रहे कि ये जो पैसे हैं उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने ही दिए हैं, किसी और के पैसे ये नहीं हैं। अंततः ये हुआ कि बैंक अधिकारियों ने FIR दर्ज कराई और अब फिलहाल जो है रंजीत कुमार दास जेल की हवा खा रहे हैं। खाते में जो है सो कहीं से पैसा आ गया था। अच्छा। और उसको जो है सो पैसा उसने पूरा निकाल लिया। अच्छा। है ना। और उसके बाद जो है सो हम लोगों ने जिसका खाते से निकला पैसा उनके हमारे पास कंप्लेन की। कंप्लेन करने के बाद हमने इंक्वायरी किया और इंक्वायरी में पाया गया कि रंजीत दास ने जो है सो सारा पैसा निकाल लिया और इसी के संदर्भ में जो है सो हमारे कंट्रोलिंग ऑफिस को सूचना दी गई और कंट्रोलिंग ऑफिस के आदेशानुसार जो है सो कहा गया। उसके बाद FIR दर्ज किया गया। अब जिसके अकाउंट में पैसे गए उसके बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन जिनके अकाउंट से ये पैसा किसी और के अकाउंट में गया, रंजीत कुमार दास के अकाउंट में गया, उनकी क्या स्थिति है, उनके पैसे का क्या हुआ, वो उनकी क्या मनोस्थिति है, क्या नाम है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो जो खाताधारक हैं, असल खाताधारक, उनका नाम है तारा देवी, 85 साल की उम्र है इनकी। इन्हीं के खाते से 1,60,970 रुपये जो हैं रंजीत कुमार दास के खाते में ट्रांसफ़र हुए। पैसे ट्रांसफ़र होने के बाद उनके दामाद जो हैं वो कई दफ़े रंजीत कुमार दास से बातचीत की, उन्होंने पैसे मांगने की कोशिश की, लेकिन वापस से वही जवाब कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। वही कि PM प्रधानमंत्री योजना से हम लोग को मिला है पैसा, मोदी हमको भेजा है, सब आदमी को पैसा भेजा है, इसलिए कहाँ से देंगे मैनेजर। तो वो पैसा धीरे धीरे खर्च करने लगे। टोटल पैसा वह खर्चा कर चुका। अच्छा। आस्ते आस्ते करके निकाला, सब खर्चा भी कर दिया, उसके बाद अच्छा मुनियर साहब उस पर FIR लॉन्च किए। मैं देने के बाद साल परेशान ही परेशान है, अभी तक कुछ नहीं मिला। उम्मीद है कि अब पैसा मिल जाएगा। मिलना तो चाहिए। अब जो है मामला क्योंकि पुलिस के अधीन है, तो मानसी थाना के थाना अध्यक्ष का कहना है कि आरोपी युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। यह मामला बैंक से अवैध निकासी के संबंध में था। 1,60,970 रुपये का मामला है जिसमें रंजीत कुमार दास दोषी पाए गए, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अमित बैंक प्रबंधक के बयान पर ही केस दर्ज हुआ। बताया जा इस समय वह पकड़ाया था, उसने बताया था कि ये हमें पैसा आ गया था अकाउंट में, हम अति निकाले थे हम अपने आधार कार्ड से, और हमें लगा कि यह सरकार के द्वारा भेजा गया, मोदी सरकार के द्वारा, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि मोदी जी भेजे हैं। पुलिस पैसे इकट्ठे करने में भी लगी हुई है। पुलिस ने कहा है पीड़ित पक्ष को कि जल्द से जल्द वो पैसे जो रंजीत कुमार दास से लेकर उन्हें वापस लौट आएगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आप भी इस पर राय दीजिएगा अपनी, कि क्या बैंक अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि गलती तो आखिरकार उन्हीं की थी। अब जो गलत फहमी रंजीत कुमार दास पाले बैठे हैं उन पर क्या ही कहा जाए। तो आखिरकार आपको बता दें कि ये जो रिपोर्ट है ये हमारे संवाददाता स्वतंत्र कुमार ने खगड़िया से भेजी थी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें, और हमारा चैनल यानी बिहार तक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।